बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन रौरमन के तो स्वागत रहेला और रही, लेकिन किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के शुरू करे के आगे रौरमन के एगो जानकारी जरूर देवे चाहती। उके रौरमन ध्यान रखब और बढ़िया से सब छो मन के ख्याल रखब। ये जानकारी है कि कोरोना एखन खत्म नहीं भेलक, तनिकन कम हो जा है, से ले रौरमन अपन और अपन छो मन के विशेष ध्यान देव। साथ ही सैनिटाइजर से साबुन से हाथ के धोवो, मास्क पहनो और दू गज कर जो दूरी है इके जरूर बनाए के रखो। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती। लेकिन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए के आगे रौरमन के चलो दिखाती कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। निशुल्क कराएं तालाब के मिट्टी और पानी की जांच और बेहतर मछली उत्पादन करें। समय पर कराएं मवेशियों में टीकाकरण और गंभीर बीमारियों से बचाएं। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड द्वारा होता है बेहतर कंपोस्ट निर्माण। मछली पालन के लिए बरसात का समय बेहतर माना जाता है। मत्स्य पालक मछली के बीज तालाब में छोड़ने से पहले तालाबों के मिट्टी और पानी की जांच करा लेना बेहतर होता है। वैसे तो मछुआरों के कल्याणार्थ मत्स्य विभाग झारखंड कई तरह की योजना चलाती है, जिनमें से एक है तालाबों के मिट्टी और पानी की निःशुल्क जाँच करना। जिन मछली पालकों के तालाब की मछलियों की बढ़वार समय पर नहीं हो रही है या कोई अन्य समस्या तालाब में है, तो वे इस योजना के तहत पानी और मिट्टी की जांच कराकर समस्या दूर कर सकते हैं और बेहतर मछली उत्पादन कर सकते हैं। बरसात के मौसम में हमारे पाले हुए मवेशियों में कई प्रकार की बीमारियों के लगने की संभावना रहती है। इस मौसम में मवेशियों में गलघोटू, लंगड़ा बुखार इत्यादि रोग प्रमुख तौर पर लगते हैं। यह रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में बहुत कठिनाइयां आती हैं। समय पर इलाज नहीं होने से कभी कभी मवेशी की मौत भी हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि बीमारी लगने से पूर्व ही मवेशियों को इन रोगों से बचाव का टीका लगवा दें। यदि किसी पशु को यह रोग लगा है तो उसे दूसरे पशुओं से अलग कर दें। पशु गृह में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें और तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कृषक बंधुओं, इस समय आप बोदी की फसल लगा सकते हैं। बोदी की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपज पाने के लिए स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफला और स्वर्ण श्वेता नामक प्रभेद अच्छी मानी जाती है। बोदी के यह प्रभेद रोग रोधी होते हैं। इन किस्मों की बुआई कर आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफला और श्वेता, ये नाम है बोदी के उन्नत प्रभेदों के। बोदी के इन प्रभेदों के 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बोदी प्राप्त किया जा सकता है। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। कृषि विशेषज्ञ हमारे किसानों को, खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को, टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधनों को अपनाने की सलाह देते हैं, जिससे सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से बर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। बर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है, साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज़्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। कम खर्च में उपलब्ध प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण का नाम है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। इस उपकरण का स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है।
और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें, साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में जान ली। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूम के आवा थी और रोरे मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैनकाउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो आज कर जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण है हर किसान भाई बहन मन ले, वो जानकारी है धान रोपाई कर उपरांत उकर देखभाल, ये तो बहुत जरूरी है। रौरमन जाना थी कि धान जो है एक महत्वपूर्ण फसल है, इसके देखभाल करना बहुत जरूरी है। रौरमन धान कर खेती करी ला, लेकिन आज कर जो जानकारी मिली उकर से और बढ़िया से करब काले कि धान रोपे कर बाद फूल लगे से लेकर उकर बेली आवे तक उकर में कते पानी हुए के चाहिए, उकर खाद कर बारे में, उकर सिंचाई कर बारे में है ना, इस सब कर बारे में जानकारी चाहिए। तो चलू रौरमन के लिए चला थी और सीधे फीचर कर माध्यम से रौरमन के जानकारी देवा थी। धान की खेती की रोपाई का अब आखिरी सीजन चल रहा है। जो किसान भाई अपने खेतों में धान के पौधों की रोपाई कर चुके हैं और वो ये मान चुके हैं कि खेती का काम समाप्त हो गया है, तो उनके बारे में कृषि जानकार कहते हैं कि वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि खेती का काम कभी भी समाप्त नहीं होता है। जो किसान धान की फसल से अच्छी पैदावार चाहते हैं, यदि वो समय पर धान के पौधों की रोपाई कर ली है तो उन्हें उसके बाद की देखभाल करनी चाहिए। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ विनीता। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से झारखंड में जो धान की खेती की जा रही है उसकी देखभाल किस तरीके से की जाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ प्रमोद कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। किसान भाई, अभी इस साल तो बारिश कम हुई है, तो उसके प्रभाव से या उसके चलते रोपा भी विलम्ब से हुआ है, और बिचड़ा भी जो है वो थोड़ा पुराना बिचड़ा लगाए हैं किसान भाई। तो इसको देखते हुए किसान भाई जो खेती में, धान की खेती में तीन चार चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान देंगे। पहला तो है कि ये उर्वरक प्रबंधन, दूसरा है सिंचाई प्रबंधन, उसमें देर से रोपाई होने के कारण उसमें रोग और कीट का भी थोड़ा प्रकोप होता है, अधिक प्रकोप होता है, तो उसके लिए भी किसान भाई को थोड़ा सा जागरूक रहना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये उर्वरक प्रबंधन पर। उर्वरक प्रबंधन में मुख्य रूप से धान के फसल में तीन रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। इसमें नाइट्रोजन का आधा जितना अनुशंसित मात्रा है उसका, जैसे हम लोग दोन दो में लगा रहे हैं या दोन एक में लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग दोन दो के लिए जो है 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास का जरूरत पड़ता है। रोपाई के बाद सबसे अधिक जरूरी है खरपतवार का नियंत्रण। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान के पौधों की रोपाई होने के बाद खरपतवार नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो खरपतवार नियंत्रण धान में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यकलाप है, जिसके चलते अगर हम लोग समय से अगर नहीं निकाई गुड़ाई करेंगे तो हमारे जो खेत फसल का पैदावार है, उपज है, वो कम जाएगा। तो इसके लिए पहला तो है कि 20 से 25 दिन के आसपास ये तीन विधि से हम लोग खरपतवार नियंत्रण या घास का नियंत्रण कर सकते हैं। पहला तो है कि हाथ से मैनुअल जो होता है, हाथ से किसान भाई करते हैं, लेकिन इसमें खर्च ज़्यादा होता है, तो इसके लिए है दो तीन और विधि है। अगर कतार में किसान भाई लगाए हैं तो कोनो बीडर या रोटरी बीडर का इस्तेमाल करके, जो किसान 15 सेंटीमीटर कम से कम कतार से कतार की दूरी में अगर रोपाई किए हैं, तो उसके लिए रोटरी बीडर या कोनो बीडर का इस्तेमाल करके और खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है कि रासायनिक विधि से हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। कदवा करते समय अगर प्री इमर्जेंस जो रोपा के समय हम लोग खरपतवार नियंत्रण के लिए जो केमिकल रसायन जो इस्तेमाल करते हैं अगर नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए जो है बाद में खरपतवार नियंत्रण के लिए जो रसायन आता है, जैसे कि एक 2,4-D सोडियम सॉल्ट आता है, उसका 600 ग्राम या 600 ml मात्रा
200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ स्प्रे करेंगे रोपाई के करीब एक महीना के आसपास, 25 से 30 दिन के आसपास। रोपाई के बाद पानी का प्रबंधन भी अहम है। वर्षा काल में धान की पौध को रोपने के बाद बारिश का इंतजार करना चाहिए और यदि बारिश ना हो तो सिंचाई का उत्तम प्रबंध करना चाहिए। किसान भाइयों को रोपाई के बाद इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि एक सप्ताह तक खेत में 2 इंच पानी भरा रहना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह खेत की निगरानी करते रहना चाहिए। पोटास का है जो 25% पोटास वो पैनिकल जब बाली निकलने लगता है उस समय किसान भाई को देना चाहिए। अभी एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं किसान भाई के खेत में कि कुछ कुछ खेत में जिंक का कमी दिख रहा है, पत्ता में जैसे लाल हो रहा है या भूरा हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग अनुशंसा ये करते हैं कि कम से कम प्रति एकड़ 10 किलो जिंक सल्फेट का वो प्रयोग जरूर करें। दूसरा है कि सिंचाई प्रबंधन, अभी बारिश झारखंड में उतना अच्छा इस साल नहीं हो पा रहा है तो किसान भाई किसी भी ये से व्यवस्था करके या डीजल पंप से या तालाब से वो खेत को सूखने ना दें, खेत में दरार पड़ने ना दें। तो हर 15 दिन के अंतराल पर अगर बारिश नहीं होती है तो उसमें नमी बनाए रखना जरूरी है और उसके लिए या तालाब से या कुआं से पंप सेट का इस्तेमाल करके किसान भाई कम से कम खेत में हल्की सिंचाई अवश्य करें। धान की खेती में अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई के बाद उचित समय पर खाद और उर्वरक का भी प्रबंध किया जाना जरूरी होता है। धान की बुआई के समय गोबर की खाद के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का इस्तेमाल धान की रोपाई के बाद कई बार दिया जाता है। धान के खेत में अभी जैसे है अगर देर से रोपा हुआ है ये तो उसके लिए उसमें बकिया कीट एक जोर लगता है वो जैसे धान का पत्ता को वो चाट जाता है, हाँ, तो उसका नियंत्रण के लिए जो रसायन है वो क्लोरीपाइरीफॉस ये रसायन या फिर क्यूनालफॉस नाम का जो दवा आता है उसका हम लोग 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें हम लोग भुरक देंगे। दानेदार आता है, ये आपका फिप्रोनील आता है वो भी हम लोग 0.3 जी 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग उसमें डालेंगे। और दूसरा इसमें और भी एक कीट लगता है वो तना छेदक कीट लगता है तो उसके नियंत्रण के लिए क्लोरीपाइरीफॉस नाम का जो दवा है रसायन है उसको स्प्रे करने पर उसका नियंत्रण हो जाता है। धान में सर पत्र लपेटक बीमारी भी, हाँ, पत्र लपेटक बीमारी भी होता है तो उसके लिए भी आपका जो क्लोरीपाइरीफॉस नाम का जो दवा है उसमें भी वो भी कारगर है। एक इसमें रोग लगता है आपका झुलसा फॉल्स स्मट, तो फॉल्स स्मट के नियंत्रण के लिए फिप्रोनील 0.3 जी जो है वो 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम लोग दानेदार दवा है ये उसको अगर हम लोग खेत में डालेंगे तो उससे वो उसका नियंत्रण हो जाता है। तो देखो रौरमन धान कर खेती करत रही मगर ऐसा जानकारी नहीं रहे, अब हम समझाती कि रौरमन बेस से जानकारी मिल गया और रौरमन बेस से धान कर खेती करब है नहीं। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती दूसर जानकारी को, तो दूसर जानकारी है किसान उत्पादन संगठन से किसान मन के लाभ। भाई कितने सुंदर बात है कि किसान उत्पादन संगठन इरोरे में जाना थी। एगो बात बता देवे थी कि मान लो अगर कोई किसान भाई बहन के एगो सामान किने के खेती बाड़ी से संबंधित तो उके बाजार जाके पड़ी शहर जाके पड़ी तो उकर में उकर टाइमो गेलक और खर्चा भी भेलक। मकिल किसान उत्पादन संगठन से जुड़ल बात का हो गया कि रोड में अगर 10-20 को किसान भाई बहन एक जगह हो गई तो उकर से ऑर्डर दे के अपन सामान के मंगा ले ली, उकर से पैसा का भी बचत होगी और समय का भी बचत होगी। इकर में इकर संगठन कब बन है, इकर में कैसे आदमी से बना सकेला और जो विशेष जानकारी है इके चलू हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। नमस्कार साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ मेहुल प्रसाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं गुमला जिला के कृषि विज्ञान केंद्र विशुनपुर में, जहां हम बातें करेंगे डॉक्टर संजय कुमार जी से और इनसे जानेंगे कि किसान उत्पादन संगठन से
किसानों को मिलने वाले लाभ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। जो आपका प्रश्न है कि किसानों को किसान उत्पादक समूह बनाने से क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं कि इस आज इसके महत्व इसलिए बढ़ गया है कि अब देखते हैं कि किसान को जो जितना लागत लगता है उतना उनको फायदा उससे होता नहीं है, क्योंकि बीच में जो उनका असली फायदा है वो जो है बिचौलिया लोग ले लेता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसको हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान एक प्लेटफॉर्म पर किसी कमोडिटी बेस आता है तो उसको एक वाजिब प्राइस मिलता है, और सबसे बड़ी बात है इस संगठन को बनाने के लिए में कि हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज करते हैं, माने मार्केट का उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर टमाटर एक गांव विशेष में हो रहा है, इंडिविजुअल फार्मर बेचता है तो उसका अलग अलग रेट में वो निकलता है, लेकिन अगर एक जगह कलेक्टिव में आ गया तो एक वॉल्यूम में आया तो किसानों को बाहर मार्केटिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म से करने में उसकी सहूलियत होगी, जैसे ईनम है, राष्ट्रीय पोर्टल पर भी जा सकता है। तो वैसे में बहुत फायदे हैं, किसान को संगठनात्मक रूप से आने में ही फायदा है, इसीलिए आज इसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको मालूम होना है कि किसान भाई को भी मालूम है कि पूरे देश में 10,000 एपीओ बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। झारखंड में भी जो अलग अलग एजेंसी है नाबार्ड के द्वारा बन रहा है, एनसीडीसी के द्वारा बन रहा है, और केवीके और बहुत सारे एनजीओ भी इसको बना रहे हैं। और जैसे कि आप गुमला में हैं, गुमला में कृषि विज्ञान केंद्र भी 2 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है, एक रायडी में और गुमला में, और दोनों जो है अलग अलग कमोडिटी बेस्ड है। रायडी में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो जो हमारा है वो सब्जी उत्पादन बेस्ड है, और गुमला में जो है वो मैंगो बेस्ड उत्पादन में है। तो कहने का मतलब कि एक सिर्फ आम आधारित ही नहीं है, जितने भी फ्रूट होंगे जैसे इमली है, कटहल है, ये तमाम को हम लोग उस प्लेटफॉर्म से आगे निकालेंगे, और उसमें जितने भी किसान उस क्षेत्र विशेष के जुड़ जाएंगे उससे, इसमें मिनिमम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 300 और मैक्सिमम 750 से भी ज़्यादा हम किसान को रख सकते हैं। लेकिन सर अगर किसान अपना संगठन बनाना चाहे तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए किसान संगठन, किसान तो अपने लेवल पर एक कमेटी बना के अपना संगठन करता है, लेकिन अब जो है एक स्वरूप दिया गया है जो कि अलग अलग एजेंसी है, जैसे कि एनसीडीसी है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन उसमें रजिस्टर्ड फार्मर हो जाएंगे। अगर उससे 300 मिनिमम 300 किसान अगर आ गए और 2,000 रुपया जमा किए उसमें, तो जितने रुपया उनका जमा हुआ उतना इक्विटी शेयर सरकार देगी, एक प्रकार का बिजनेस प्लेटफॉर्म बन गया। अब किसान जो है वो स्वयं को वो अपना मार्केटिंग कर सकता है, ये फायदे हैं। लेकिन अगर संगठन को और पूंजी की जरूरत हो और तो उसके लिए सरकार क्या होगी? सरकार जितना अगर उसमें आपका शेयर है उसका डबल आपको मिलेगा, और उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी सरकार आपका प्रपोजल जाएगा कि हमको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए एक छोटा गांव से कलेक्शन करने के लिए वैन चाहिए, तो ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां पर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी फसल का उत्पादन होता तो फिर बिक्री करने का उसमें सरकार क्या उसको मदद करती है? सरकार इसमें मदद करने के लिए तो प्लेटफॉर्म बनाई है, इसीलिए तो आपको इक्विटी शेयर दे रही है। आप पैसा जमा किए 10 लाख और आपको सरकार दिया 20 लाख, 10 लाख ऐड करके दिया आपको, तो कहने का होता है कि सरकार तो अब मार्केटिंग नहीं करेगी, मार्केटिंग का एक वाजिब प्लेटफॉर्म दिया, वहाँ से जब उसमें एक्सपर्ट रहेंगे जो अलग अलग विभाग के जो मार्केट ढूंढेंगे। अब मान लीजिए कि टमाटर का रेट कलकत्ता में ज़्यादा है, चाहे रांची में ज़्यादा है, गुमला में बना हुआ है तो रांची जाएगा माल यहाँ से मार्केट। लेकिन सर हम किसी भी काम के अंदर गुमला की बात करें तो आप लोग किस तरह से उस संगठन को मदद करते हैं? हम लोग अभी उसको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं उन लोगों को, खास करके जो आम के क्षेत्र में जो किसान जुड़े हुए हैं, कटहल से जुड़े हुए हैं, पपीता की खेती कर रहे हैं, उन तमाम किसानों को एक सूचीबद्ध किया जा रहा है, उनका हम लोग उस किसानों को रजिस्टर्ड कराए हैं। जब हम अभी हमारे पास 300 दोनों ब्लॉक में किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो उन लोगों के अब कमोडिटी जो भी आएगा उसको हम लोग फिर आगे उसका मार्केट बेस्ट से बेस्ट मार्केट हो उसको हम लोग उसको प्रोवाइड कराएंगे हम लोग। और क्या सलाह देना चाहेंगे जो किसान अभी संगठन नहीं बना पाए हैं वो इस संगठन बना करके इसमें जुड़े और अधिक से अधिक? देखिए हम किसान भाइयों से यही आग्रह है कि ये आज के समय की मांग है, आप एक निश्चित तौर से एक अपना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आइए,
ताकि आपके सामान का वाजिब दाम मिल सके, वाजिब बाजार मिल सके। अगर ऐसा नहीं करने से, व्यक्तिगत तौर से कीजिएगा तो आपको वाजिब फायदा नहीं होगा, इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है। लेकिन उनको खाद बीज की भी तो जरूरत होती होगी। देखिए, वो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जब बनेगा, एक प्रकार का वो एक सेंटर है, वहाँ सभी कुछ आप फार्मर के सुविधा के लिए रख सकते हैं, खाद बीज वगैरह सब। तो बताओ, आज का जो दूसरी जानकारी मिललक क्वेश्चन मिललक बेस है नहीं। अरे भाई, सेले तो कही ला कि पता के लिखू है नहीं, और रोटी जो जानकारी है हमके दो, और हमारे से जानकारी है रोरेमन ले, तो पता कर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरेमन इजाजत दो, मैं केवल यही दिना और यही बेरा नवा जानकारी के साथ उपस्थित हुआ, तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।